बढ़ते हैं। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर सोमवार को निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर एक अहम बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। बैठक में निकाय चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनावों पर गंभीरता से मंथन किया गया। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी की निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। चुनाव पर फैसला आते ही उम्मीदवारों के ऐलान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पार्टी की हमारी नियमित संगठन की जो गतिविधि चलती है उस गतिविधियों की समीक्षा के लिए बैठक हम लोगों ने की है और एक जो हमारे पार्टी के मोर्चे हैं, मोर्चों के कार्यक्रम जो पुराने उनके चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है और आगामी दृष्टि से क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं इसकी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई। हमारी पूरी चुनाव की तैयारी है, निकाय चुनाव की। अब निर्णय माननीय न्यायालय को करना है और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दानिश राज अंसारी। कैसे देखते हैं इस बैठक को दानिश? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये जनता की सेवा करने वाली पार्टी और सरकार है। जनता के बीच में रहकर जनता की तरक्की को कैसे काम करना है, इन तमाम चीज़ों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हमारे सरकार के प्रयास से आम जनमानस को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, आम जनमानस तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की एक अलग और अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो लगातार हम इसी दिशा में सार्थक तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ें, इसी सोच विचार के साथ हमारी पार्टी काम करती है, हमारी योगी सरकार काम करती है। निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसमें भी हम कैसे निकाय के माध्यम से जनता के बीच में रहकर सेवा करें, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर भी किसी तरीके की चर्चा हुई दानिश जी? देखिए, लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत है कि भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार और मोदी सरकार के विकास मॉडल को जनता की विश्वास की मुहर है और इसी विश्वास के बल पे हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक मतों के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बैठक खत्म होने के बाद दानिश अंसारी का साफ तौर पर कहना यह है कि लगातार निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। निकाय चुनाव के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय पर आज एक बड़ी बैठक की, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है और साफ तौर पर भूपेंद्र चौधरी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही। उसी के साथ साथ आज जिस तरीके से तमाम मोर्चों के क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अध्यक्ष तक के लोगों को इस बैठक में शामिल करा गया, उसी के साथ साथ जितने भी प्रकोष्ठ हैं तमाम अध्यक्षों को आज यहाँ पर बुलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार के निकाय चुनाव के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि उपचुनाव की 2 सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, ऐसे में विपक्ष उसको किसी भी तरीके से मुद्दा ना बना सके। उसी के साथ साथ विधान परिषद की कोटे की जो 6 सीटें हैं उसको लेकर भी नाम आगे भेजा गया है, जल्द ही उस पर भी एक चर्चा की जाएगी और उसी के साथ साथ संगठन आने के लिए निर्देश बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम